हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C3 की, जिसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। डिफरेंट डिज़ाइन है और थोड़ा टेक्सचर है बैक के ऊपर, जिसकी वजह से स्क्रैचेस नहीं आएंगे प्लास्टिक बॉडी पर। और ये पहला फोन है रियलमी की तरफ से जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको रियलमी UI प्रोवाइड करता है। 40 से ज्यादा फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जिनको यूज करके आप इस फोन को और भी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। और आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा इस वीडियो के लास्ट में कि आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा है। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि अगर आप VoLTE इनेबल्ड सिम यूज कर रहे हैं तो इस फोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ आपको इस फोन में वॉइस ओवर वाईफाई, मतलब वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब आप वाईफाई के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क जो है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे वाईफाई कॉलिंग की मदद से। आप यहां पर देख सकते हैं वाईफाई के साथ आपको वाईफाई कॉलिंग का आइकन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको इस फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप डायलर के अंदर यहां पर डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहां पर है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जहां से आप कुछ स्पेसिफिक नंबर की कॉल्स या फिर सारी कॉल्स, ऑल कॉल्स अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। उसी के साथ इस फोन में आपको फ्लैश ऑन कॉल का इंटरनली ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं जैसे ही आपके फोन पर कोई कॉल आए, आपका फोन जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना शुरू कर दे, तो आप फ्लैश ऑन कॉल को इनेबल कर सकते हैं। इस फोन में आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलर OS नहीं है, ये है रियलमी UI। और इसमें अगर आप ऐप ड्रॉअर को देखेंगे तो एक काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा दिखता है। इस फोन में डिफॉल्ट मोड में ही जैसे ही आप फोन को ऑन करेंगे तो यहां पर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने के लिए मिलेगा। यहां से आप कुछ शॉर्टकट्स को डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। एक खासियत जो यहां से आपको देखने के लिए मिलती है, यहां पर आपको फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आपने फाइल मैनेजर को ओपन किया तो एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो गया। ऐसे ही आप यहां पर कैलकुलेटर भी ओपन करेंगे तो एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप यहां से एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो यहां पर इस तरीके से इनको बोल बना के भी रख सकते हैं। और यहां पर जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और यहां से इस चीज को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में आपको फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्टेटस बार में जाएंगे तो यहां पर मोड का ऑप्शन है, यहां पर आप फोकस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। फोकस मोड में अगर आप एंटर कर जाएंगे तो आप मैनुअली टाइम सेट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। उसके बाद कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज वगैरह आपको नहीं आएगा, सिर्फ कॉल अगर आपको कोई आती है वो आपको दिखाई देगी। उसके बिना आपको फोन की डिस्टर्बेंस जो है वो काफी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपको स्टेटस बार में डार्क मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहां पर है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली सिंगल टैप में आप डार्क मोड में जा सकते हैं, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं डार्क मोड पूरे UI में इनेबल हो जाएगा। अगर आप डायलर के अंदर जाते हैं या नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, कहीं भी आप देखेंगे डार्क मोड जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसी के साथ ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप होम स्क्रीन पर इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप सर्च परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो आप कॉल्स में, मैसेजेस में, फाइल मैनेजर में या फिर ऑनलाइन सर्च अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स में सर्च करना चाहते हैं, हर जगह पर सर्च आप सिर्फ यहां पर टाइप करके कर सकते हैं। उसी के साथ इजी होम स्क्रीन एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं अपने होम स्क्रीन पर तो काफी सारी एप्स को आप इकट्ठे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, उनके बाद आप उन एप्स को इकट्ठे मूव कर पाएंगे। तो इजी होम स्क्रीन एडिटिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। वाईफाई के अंदर अगर आप चल जाएंगे तो यहां पर आपको वाईफाई असिस्टेंट नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर आप इनेबल रखेंगे दोस्तों, और यहां पर एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी इनेबल कर दीजिए, तो अब क्या है कि ऑटोमेटिकली फोन जो है वो वाईफाई और डाटा के बीच में स्विच करता रहेगा, जैसे जैसे जिसका नेटवर्क स्ट्रेंथ आपको अच्छा देखने के लिए मिल रहा होगा। तो बेसिकली अगर आपका वाईफाई किस टाइम पर नहीं चल रहा तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा आपके डाटा पर। उसी के साथ आपको यहां पर डुअल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखेंगे तो आप वाईफाई प्लस डाटा दोनों चीजें सेम टाइम पर यूज कर पाएंगे। और वो चीज जो है वो सिर्फ इन एप्लीकेशन के लिए काम करती है, जो कि यहां पर आपको लिस्ट शो करेगा। जैसे जैसे आप एप्स इंस्टॉल करते रहेंगे अपने फोन में तो और एप्स यहां पर ऐड होती रहेंगी और आपको दिखाता रहेगा कि कौन कौन सी एप्स जो है वो डुअल चैनल एक्सेलरेशन को सपोर्ट करती हैं। इस फोन में आपको वाईफाई टेथरिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अदर वायरलेस कनेक्शन के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर अगर आप अदर वायरलेस कनेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट के अंदर हॉटस्पॉट से रिलेटेड काफी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। कनेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपको जाना है तो अगर आप कुछ डिवाइसेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, मैक्सिमम कनेक्शंस आप सेट करना चाहते हैं या फिर डाटा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, वो चीजें आप यहां पर हॉटस्पॉट के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ इस फोन में आपको वाईफाई टेथरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अमेजिंग ऑप्शन है। बेसिकली वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आप सेम टाइप पर एनेबल कर सकते हैं और आप अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता लेकिन आपके फोन पर वो कनेक्टेड है तो आप उसको
वाईफाई टैथरिंग की मदद से किसी और डिवाइस पर भी शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वाईफाई जो है वो बंद हो जाएगा, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको वाईफाई टैथरिंग को यूज़ करना है। उसी के साथ इस फोन में आपको स्क्रीनकास्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्क्रीनकास्ट को यूज करके अगर अपने फोन की डिस्प्ले को किसी और डिवाइस पर कास्ट करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टेटस बार में अगर आप देखेंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड वगैरह नहीं दिख रही, आपको सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको शो बैटरी परसेंटेज और स्टेटस बार को सेलेक्ट कर देना है। बेसिकली सेलेक्ट करना है इनसाइड द बैटरी आइकन या फिर आउटसाइड द बैटरी आइकन को, और आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ से आप नेटवर्क स्पीड को भी रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं अपनी स्टेटस बार पर सिर्फ इस ऑप्शन को इनेबल करके। एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहते हैं जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है आपके फोन की डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाए तो आपको वेक स्क्रीन व नोटिफिकेशंस रिसीव्ड को एनेबल कर देना है, जो कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आई केयर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो येलोइश टिंट आपके डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा येलोइश टिंट आ चुका है। तो अगर आप रीडिंग बहुत करते हैं अपने फोन पर या फिर रात के टाइम पर फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये आई केयर मोड आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इस फोन में आप डिस्प्ले साइज और फोन साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि इस फोन में HD डिस्प्ले है तो अगर आप चीजों को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं जो कि आपको थोड़ी बड़ी दिख रही है तो आप डिस्प्ले साइज को यहाँ पर स्मॉल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज चाहते हैं तो इसको लार्ज पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ फोन साइज सिर्फ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज बहुत तरीके से वेरी कर सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर आपको थीम्स, वॉलपेपर्स या आइकन्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं ये सब ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलती हैं। आप फोन चेंज कर सकते हैं, थीम आपको फ्री भी कुछ देखने के लिए मिलेंगी, बाय करने के लिए भी मिलेंगी। उसी के साथ आइकन्स की अगर मैं बात करूँ कुछ फ्री आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आइकन्स के स्टाइल को भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये मटेरियल साइज चाहिए तो ऐसा होगा, अगर आप पेबल साइज चेंज देखना चाहते हैं, पेबल स्टाइल देखना चाहते हैं तो इस तरीके का है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आइकन से रिलेटेड। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पर जाएंगे आप देखेंगे कि हर बार आपको एक बोरिंग सा वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है, तो आप लॉक स्क्रीन मैगजीन को इनेबल कर सकते हैं, जिसको इनेबल करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे वॉलपेपर्स। डाटा आपका यूज होगा इसमें, लेकिन आपको अमेजिंग वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इस फोन में अगर आप वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली मीडिया वॉल्यूम जो है वो चेंज होती है। तो इसको अगर आप बाय डिफॉल्ट रिंगटोन वॉल्यूम पर चेंज करना चाहते हैं या फिर कॉल्स की वॉल्यूम पर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाना है और डिफॉल्ट फंक्शन फॉर वॉल्यूम बटन्स को सेट करके रिंगटोन वॉल्यूम पर सेट कर देना है। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिंगटोन की वॉल्यूम चेंज होगी, मीडिया वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि आप उसी टाइम एनेबल कर पाएंगे जब आप ईयरफोन्स यूज कर रहे होंगे वायर वाले, और उसको यूज करके आप काफी तरह के साउंड इफेक्ट्स यूज कर पाएंगे और साउंड को जो है वो और भी अच्छा बना पाएंगे। इस फोन में आपको DND से रिलेटेड बहुत ही अच्छी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि DND मोड के अंदर आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, मैसेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल्स अगर आपको सिर्फ स्टार्ट कॉन्टैक्ट से अगर आप चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट्स को स्टार कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट की कॉल्स आप ले सकते हैं DND के टाइम, तो DND के लिए काफी सारी ऑप्शंस है। उसी के साथ रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स का ऑप्शन है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप फेस एंड पासवर्ड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासवर्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप सेट करेंगे, इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ जैसे ऑप्शंस इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिकली अगर आप ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं तो आप ऐप लॉक से कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल्स को हाइड करना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक फाइल्स को, कुछ वीडियो फाइल्स को या फोटोज को, वो सब चीजें आप प्राइवेट सेफ में से कर सकते हैं। फेस एंड पासवर्ड के अंदर अगर आप यहाँ पर फेस के अंदर जाते हैं तो फेस के अंदर आपको दो तीन अच्छी ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। पहली है डू नॉट रिकॉग्नाइज फेस विद क्लोज्ड आइज। तो बेसिकली अगर आपकी आंखें बंद हैं और आप चाहते हैं उस टाइम पर आपका फेस रिकॉग्नाइज ना हो तो इस ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं लॉक स्क्रीन पर हूं फेस डिटेक्ट करने के बाद भी मुझे इस तरीके से स्वाइप करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन अनलॉक सेलेक्ट करके ऑटो अनलॉक पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद डायरेक्टली फेस जो है वो डिटेक्ट हुआ और फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। इस फोन में नेविगेशन से रिलेटेड भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जाते हैं, नेविगेशन बटन्स के अंदर जाते हैं, तो एक पहला ऑप्शन जो है वो वर्चुअल बटन्स का है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर स्वाइप अप जेस्टर्स का है जो कि नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलते हैं। मोर के अंदर अगर आप जाएंगे तो थोड़े डिफरेंट तरह के जेस्टर्स इस फोन में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइड से जेस्टर यूज करके आप बैक कर पाएंगे, यहाँ से आप होम
में जा सकते हैं और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके आप होल्ड करके आप रिसेंट्स में जा सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं नेविगेशन से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर आपको एसिस्टिव बोल देखने के लिए मिलती है जिसको भी आप नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको अनेबल करते हैं और कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली नेविगेशन पर सेलेक्टेड है। सिंगल टैप करके आप बैक पर जा सकते हैं, लॉन्ग टैप करके आप यहाँ पर होम में चल जाएंगे, डबल टैप अगर आप करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग मतलब के रिसेट्स में आ जाएंगे। तो असिस्टिव बोल को आप नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप शॉर्टकट्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशन मोड को यहाँ पर टैप मेनू पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलेंगे। जेस्टर्स एंड मोशंस के अंदर अगर आप चल जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप अनेबल करेंगे तो स्क्रीन ऑफ के टाइम अगर आप कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं तो आप कुछ ऐप्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या एप्लीकेशन चल जाए या क्या एक्शन परफॉर्म हो जाए। उसी के साथ कॉल से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जेस्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे फ्लिप टू म्यूट आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, और ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ से आप कॉल से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप बैटरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। एक स्मार्ट पावर सेवर मोड जो है ऑटोमेटिकली एनेबल रहता है, उसके अलग आपको यहां पर एक पावर सेविंग मोड देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ अगर आप परफॉर्मेंस मोड यूज करना चाहते हैं, पावर मोड यूज नहीं करना चाहते, तो परफॉर्मेंस मोड के लिए भी आपको एक अलग से डेडिकेटेड मोड देखने के लिए मिलता है जो कि है हाई परफॉर्मेंस मोड। उसी के साथ अगर आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चल जाते हैं दोस्तों, यहां पर आपको एक प्रोसेस मैनेजर देखने के लिए मिलता है जो कि एक अगेन अमेजिंग फीचर है और पहली बार मैंने किसी फोन में देखा है। यह एक टास्क मैनेजर जैसा फीचर है दोस्तों। बेसिकली आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिस्टम ऐप्स अभी कितना जो है वो सिस्टम को यूज कर रही है, कितना डाटा यूज कर रही है, काफी सारी डिटेल्स यहां से आप देख सकते हैं। उसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर कोई चल रही होगी तो, काफ़ी अच्छे से आप टास्क मैनेजर की तरह यहाँ पर प्रोसेस मैनेजर में ऐप्स को मैनेज कर पाएंगे। इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बहुत ही अमेजिंग जेस्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट के अंदर जाएंगे तो उस चीज़ को आप देख पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आप थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप थ्री फिंगर से लॉन्ग टैप करते हैं तो आप इस तरीके से एक कस्टम स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जितना स्क्रीन आपको कैप्चर करना है। तीसरी चीज, अगर आप इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट या स्क्रॉल शॉट जिसको बोलते हैं वो चीज कैप्चर कर सकते हैं। उसी के साथ जब आप एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो आप यहां पर एक स्क्रीनशॉट आपको छोटा सा देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे, और उसी के साथ जैसे ही स्क्रीनशॉट आता है अगर आप उसको ऊपर स्वाइप करेंगे तो भी आप स्क्रॉल शॉट या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है जिसको अगर आपको अनेबल करना है तो यहां से स्टेटस बार में से करना होगा, और यहां पर है इसकी सेटिंग्स। और मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आप पबजी तो खेल ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ रिकॉर्डिंग जो है वो फुल एचडी में भी कर सकते हैं, हालांकि डिस्प्ले जो है वो एचडी है लेकिन जो वीडियो क्वालिटी वो प्रोड्यूस करेगा वो फुल एचडी की कर देगा। उसी के साथ सिस्टम साउंड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी ये स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर आपको इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाता है। सेटिंग्स में अगर आप पूरा नीचे चल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐप क्लोनर देखने के लिए मिलता है जिसको यूज करके आप अपनी ऐप्स को क्लोन कर सकते हैं। बेसिकली डुअल ऐप्स जैसा एक फीचर है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप सारी ऐप्स को क्लोन नहीं कर पाएंगे, कुछ स्पेसिफिक ऐप्स को आप यहां पर क्लोन कर सकते हैं, और बेसिकली ज्यादातर आप सोशल मीडिया की ऐप्स को यहां पर क्लोन कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको गेम स्पेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। गेम स्पेस बेसिकली गेमिंग टर्बो या गेमिंग असिस्टेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं अपने फोन पर और ये फोन गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है बहुत कम प्राइस में, तो आप गेम स्पेस को यूज कर सकते हैं। गेम स्पेस को अगर आप यूज करेंगे तो फोन जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। उसी के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करेगा। और सेटिंग्स में बिल्कुल नीचे अगर आप चल जाएंगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और बेसिकली आप थ्री फिंगर से ऊपर की तरफ अगर स्वाइप करते हैं तो डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं। अब जल्दी से हम कैमरा में चलते हैं। कैमरा के अंदर भी काफी सारे फीचर्स आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको यहां पर इस फोन में भी स्लो मोशन और टाइमलैप्स जैसी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। जनरली जो कम बजट के फोन्स होते हैं उसमें स्लो मोशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं स्लो मोशन का ऑप्शन प्रेजेंट है। उसी के साथ प्रो मोड आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप कैमरा की तरह कुछ मैनुअली सेटिंग्स करके शटर स्पीड की, आईएसओ की, वाइट बैलेंस या फोकस अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं,
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सपोजर है। अगर आप मैनुअली इन चीज़ों को सेट करके फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं तो आप प्रो मोड को यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो खास है वो है वोटर मार्क से रिलेटेड। इस फोन में आप वोटर मार्क को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ आपको वोटर मार्क को अनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। मेरे हिसाब से यार इतने कम बजट के फ़ोन के लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं। रियलमी UI मुझे इस फोन में काफ़ी अच्छा लगा है। हालांकि और यूज़ करना होगा देखने के लिए कि क्या ये उतना स्टेबल है या नहीं। और अभी के इस वीडियो में यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस मैं हर स्मार्टफोन पर बनाता रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।